हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। जो बिगिनर्स होते हैं, कार बिगिनर्स होते हैं या फिर वुमन होती हैं जो नई नई कार परचेस करता है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता कि जो कार के साथ जैक आता है वो कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, और जब उनकी कार का जो टायर पंचर हो जाता है तो उन केस में जब कार का टायर रिप्लेस करते हैं तो वो जो जैक होता है, कार के साथ जैक आता है वो कहीं भी इंस्टॉल कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो कार के सस्पेंशन की असेंबली आती है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत रहने वाला है, या फिर पीछे कहीं भी इंस्टॉल कर देते हैं जिससे कभी कभी कभार कार को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और कई बार तो जो मिड की जो ये बॉडी रहती है यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके कारण कार के अंदर डेंट आ जाता है। तो गाइज़, ये इसी पे वीडियो रहने वाली है कि प्रॉपर तरीका क्या होता है, और हर कंपनी अपनी कार के अंदर सेपरेट स्पेस दे रखी होती है जैक इंस्टॉल करने के लिए, जो अपन आगे का टायर या फिर पीछे का टायर रिप्लेस करता है इन केस जब टायर पंचर हो जाता है। सो गाइज, कार के साथ कंपनी कुछ इस टाइप का जैक देती है। ये जो जैक होता है, जो इसका ऊपर का पोर्शन होता है, वहाँ से ये कट लगा होता है, ताकि जो यहाँ पे कार के अंदर नीचे आप नोटिस करना, यहाँ पे लाइनिंग होती है, बिल्कुल बारीक लाइनिंग होती है, जो इजीली जो ये जैक होता है इनके अंदर फिट हो जाती है, और काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और आप इजीली कार को, जिससे आप कार को इजीली लिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में जो किनारी फंस जाती है तो वो किनारी मुड़ती नहीं है, और ये साइडों का होता है ये पोर्शन जैक यहाँ एडजस्ट हो जाता है। गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाता हूँ। अगर आपका जैक हार्ड है तो इसमें आप जो बीच में यहाँ ग्रिस वगैरह लगा लेना, बाकी जो कार के साथ जैक आता है काफ़ी इजीली मूव हो जाता है। तो गाइस, मैं भी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे आप 15 से 20 सेकंड के अंदर अपना पंचर टायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस, इसको अपन उनको करना क्या है, जो ये नीचे कार के नीचे होती है, आप अंडर लाइनिंग देखना, हर कंपनी लाइनिंग देती है, जो वो लाइनिंग इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, जो ये टॉप आता है जैक का। और गाइस, इसको क्लॉक वाइज मूव करना है जैक को। अब गाइस, यहाँ पे ये फिट हो चुका। और काफ़ी लोग क्या करते हैं गाइस, जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ इस टूल को यूज़ करके कार को ऐसे रोटेट करते हैं, जैक को ऐसे करते हैं, जो कि उनकी एनर्जी वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो गाइस, जो इजी मेथड है वो ये, जो ये वाला टूल है इसको ऐसे करके, और जो ये वाला टूल होता है जो नट खोलने का होता है उसको ऐसे इसमें फंसा के, और क्लॉक वाइज ऐसे। तो गाइस, इतना ईजी है, इसको 10 से 15 साल का बच्चा भी कर सकता है। और देखो गाइस, कार कितनी जल्दी लिफ्ट हो गई है, और ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज उसको रिलीज कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसे करके आप 10 से 15 सेकंड के अंदर अपना टायर, जो टायर पंचर टायर है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और गाइस, कार के अंदर जैक इंस्टॉल करने से पहले आपको सबसे पहले ये ब्रेक, जो हैंड ब्रेक है, वो अप्लाई करना है, ताकि आपकी कार आगे पीछे मूव ना करे इन केस में जब आप जैक से कार को लिफ्ट करो। और फर्दर सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, जो एक कार का गियर है, गियर नोब है, उसको फर्स्ट गियर में डाल के, इससे क्या है, डबल सेफ्टी हो जाएगी और आपकी कार बिल्कुल मूव नहीं करेगी, और आप जैक लगा के जब कार को लिफ्ट करोगे तो कार वहीं की वहीं रहेगी, और आप इजीली कार को लिफ्ट कर भी सकते हो और डाउन भी कर सकते हो, और कार जो पंचर टायर है वो रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन कार कहीं भी मूव नहीं होगी। अगर मैं इस जैक को, जो कंपनी ने सेपरेट जो स्पेस दे रखी है इसकी जगह, और कहीं इंस्टॉल करता तो आपको कार के अंदर ऐसे डेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप गाइस, आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो गाइज़, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको ऑटोमोबाइल रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। और गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
and I ain't stopping. No, I